सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी साथ बेल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तनख्वाहों में 15% इजाफे के दो फार्मूले ज़ेरे गौर, इस्लामाबाद से बड़ी खबर। तनख्वाहों में 15% इजाफे के दो फार्मूले ज़ेरे गौर। पहली तजवीज़ के मुताबिक तमाम अडाक अलाउंस जम करके बुनियादी तनख्वाह पर 15% इजाफा दिया जाए, लेकिन इस सूरत में मुलाज़मीन को तनख्वाह में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी तजवीज़ है कि मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर ही 15% इजाफा दिया जाए, जिसके बाद अडाक अलाउंस जम किए जाएँ। इसके नतीजे में 1 जुलाई से रिटायर्ड होने वाले मुलाज़मीन को पेंशन की सूरत में फ़ायदा पहुँचेगा। याद रहे कि वफाकी काबीना ने ग्रेड 17 से 22 के सरकारी मुलाज़मीन के एग्जेक्टिव अलाउंस में 150% इजाफे की असूली मंजूरी दे दी है। सूबों की तर्ज पर वफाक में भी अफसरान को बुनियादी तनख्वाह के 150% के बराबर एग्जेक्टिव अलाउंस देने का असूली फ़ैसला किया गया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में एग्जेक्टिव अलाउंस पहले से ही लागू है। बजट में ग्रेड 22 के अफसरान को डिस्पैरिटी अलाउंस देने और ग्रेड 20 से 22 के अफसरान को मिलने वाला अर्दली अलाउंस 14,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने की तजवीज़ है। मज़ीद अपडेट्स के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।